मैं कहना चाहता हूँ कि 84 का कत्लेआम हुआ, ये दंगा नहीं था, ये नरसंहार था, ये हिंदू और सिख नहीं लड़े थे, ये सरकारी कत्लेआम था। 1984 में मैं 11 वर्ष का था और मुझे याद है जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वो गुरुद्वारे के प्रमाइसिस में था और उसको आग लगा दी गई थी। गुरु तेग बहादुर साहब जिन्होंने जब एक जबरन आंधी चल रही थी नफरत की, सांप्रदायिकता की, जब कह दिया गया था कि सबका एक धर्म बना दिया जाएगा, उन्होंने इसी गुरुद्वारा शीशगंज साहब पर अपना शीश दिया। यह हिंदुस्तान के इतिहास में सेक्युलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की एक ऐसी मिसाल थी जो सदियों तक नहीं मिलेगी। लेकिन अफसोस 1984 में एक ऐसा इतिहास बनाया गया कि वो गुरुद्वारा शीशगंज साहब पर भी हमला हुआ। जब हमला हो रहा था गुरुद्वारे पर तो एक बुजुर्ग ने बाहर आके हाथ जोड़े और कहा, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, यहां हमला ना करो बच्चों। उन्होंने उसको देखा और पकड़कर उसको आग लगा दी। दो दो महीने के बच्चों को चूल्हों पर रखकर जला दिया उस नफरत की आग ने। उस समय मीडिया को सांप सूंघ गया था। उस वक्त जब 3000 लोग जिंदा जला दिए गए, अखबारों में एक खबर तक नहीं आई। वो विधवाएं जिनके लोग चले गए, आज भी जब बात करते हैं तो रोने लगते हैं। बहुत दुखदाई है, लेकिन दुख इससे बड़ा ये है उस आस का मर जाना कि उनको कभी न्याय भी मिलेगा। हम एक बहुत प्राउड कम्युनिटी से आते हैं। जब मैं डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट था, मुझे रक्षा मंत्री AK एंटनी के साथ अंडेमान निकोबार में, कार निकोबार में हमारा इंडियन एयरफोर्स का बेस, वहां में गया था। वापिस आते वक्त हम लोग सेल्लर जेल देखने गए, तो सेल्लर जेल में जो काल कोठड़ियां हैं जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जिंदगियां गल गई, मैंने जाके देखा तो मैंने उनकी दीवारों पे नाम पढ़ने शुरू किए। जब नाम पढ़ने शुरू किए तो मेरे सीना गर्व से फूलने लगा कि उसमें कम से कम नहीं तो सिख और पंजाबियों के 50% नाम थे। हमने कुर्बानियां की हैं, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक दर्द है, एक पीड़ा है, कहीं ना कहीं वो बार बार उठती है। इसको समझना पड़ेगा। हम इस पर बोलना भी नहीं चाहते, इंसाफ करने की बात तो बहुत दूर की बात है। भागी कौर जिसके परिवार के 10 लोग मार दिए गए और वो कहती 3 दिन तक हमको कपड़े नहीं पहनने दिए और उन्होंने शराब पीकर हमारे साथ क्या किया, बोलते हुए उनकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। अगर 84 के कातिलों को सजा दे दी गई होती तो शायद 2002 भी ना होता, शायद कंधमाल में भी ना होता, लेकिन हमने कोई उनसे सीखा नहीं। गिल्टी पहली रिपोर्ट आई, उसके बाद बेद मारवा कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, अतुल बनर्जी कमेटी, कुसुम दत्ता मित्तल कमेटी, पोटी रोशा कमेटी, कमेटियों पे कमेटी बनती रही, लेकिन इंसाफ कभी नहीं हुआ। इंसाफ करने की कोई कोशिश कीजिए, रह जाएगा दिल में। कहते हैं भूल जाओ भूला नहीं जाता। हिंदुस्तान की संस्कृति में कभी रावण ने क्या किया था, आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं, भूला नहीं जाता। सतपाल कौर, जब मैंने किताब लिखी अपनी उस घटना के बाद, तो सतपाल कौर से मिलने गया। उसकी 3 बहनें थी, एक भाई था। वो खुद 14 साल की थी। वो कहती मेरे भाई को उसके पिता मारे गए, उसकी माँ को मार दिया गया, उसके ताए को मार दिया गया। कहती मेरे भाई को पुलिस ने मेरे सामने गोली मारी, 3 बहनों को कैसे पाला है मैं नहीं बता सकती। भागी को, दर्शन को, किस किस का नाम है, हम हद हो चुकी है, 30 साल हो चुके हैं, कब तक इंतजार करेंगे हम लोग। ये मामला आंकड़ों का नहीं है, ये मामला हमारे इज्जत से जुड़ा, ये मामला हमारे इस देश में रहने के हक से जुड़ा। 1984 में मैं 11 वर्ष का था और मुझे याद है जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वो गुरुद्वारे के प्रमाइसिस में था और उसको आग लगा दी गई थी। मैं 6ठी क्लास में था और मेरे स्कूल को भी आग लग गई थी। मुझे याद आता है क्योंकि मैं विषय सिर्फ एक जगदीश टाइटलर का नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम दिल्ली की विधानसभा को उन संवेदनाओं का,
उस समय क्या बीता, उस पीड़ा का जिसका आज भी एहसास दुनिया भर में बैठा हुआ सिख समुदाय करता है, उसका कहीं अगर कुछ एहसास भी हो जाए तो एक काफी संतुष्टि का भाव आएगा। मेरे बड़े भाई थे गुरचरण सिंह, मुझे याद है, उनकी एक पांव पोलियो करके खराब है तो चल नहीं सकते, तो वो तीन पहिए की साइकिल पे जा रहे थे तो उनको भी मारा गया। मुझे याद है फोन आया, हमारे मामा थे टैक्सी स्टैंड पे, उनको इतना मारा गया कि उनका बचना तकरीबन मुश्किल हो गया था। हालात ये थी कि सफदरजंग अस्पताल लेके जा रहे थे तो डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया था, इस तरह का एक हालात बना दिए गए थे। मैं इस वक्त याद करना चाहता हूँ गुरु नानक साहब को, जिन्होंने कहा कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई, ना को मेरा दुश्मन रहया ना हम किसको बैराई। ना मैं किसी का दुश्मन हूँ ना मैं किसी का बैराई हूँ, ना मुझे किसी से कोई नफरत है, प्यार बांटा। लेकिन 1746 में एक बार, समय उस समय अब्दालियों का था, समय उस समय फ्रक्शर का बादशाह का था, हुक्म हुआ था कि सभी सिखों को खत्म कर दिया जाए, उसे छोटा घल्लूघारा करके याद करते हैं। फिर 1776 के वक्त का समय आता है, उसे दूसरा घल्लूघारा करके याद करते हैं। और 1947 झेली, मेरा परिवार 1947 में भी जो पाकिस्तान का हिस्सा पड़ता है उस तरफ से उजड़ के आया, और 1984 में वो हालात देखने पड़े कि जब ये हुक्म हो गया था कि कोई भी सिख हो उसको कत्ल कर दिया जाए। मैं माननीय महोदय जो भी बात कहूंगा, एक पत्रकार भी रहूं, तथ्यों के आधार पर कहूंगा, किसी ना किसी रिपोर्ट को कोट करके कहूंगा। मैं नानावटी कमीशन की रिपोर्ट को कोट करता हूं जो सज्जन कुमार के बारे में है, और मोती सिंह का हलफनामा है, मोती सिंह के दो पोते मारे गए थे, और ये पार्लियामेंट के अंदर टेबल हुई रिपोर्ट है जिसमें मोती सिंह कहते हैं कि मैंने सज्जन कुमार को कहते हुए सुना, वो सज्जन कुमार कह रहे थे कि रोशन सिंह और भाग सिंह को जिसने मारा उसको 500 रुपया, जो और किसी सिख का कत्ल करेगा उसको 1,000 रुपया दूंगा। उस समय मारने के लिए उन्होंने पैसे बताए, पैसे लुटाए गए। अध्यक्ष महोदय ऐसा हालात हुए, गुरु तेग बहादुर साहब जिन्होंने जब एक जबरन आंधी चल रही थी नफरत की, सांप्रदायिकता की, जब कह दिया गया था कि सबका एक धर्म बना दिया जाएगा, उन्होंने इसी गुरुद्वारा शीशगंज साहब पर अपना शीश दिया, धर्म हेत साका जिन किया शीश दिया पर शरण न दी। आज तक याद कहता है, तिलक जंजू राखा प्रवता का तीनों बड़ो कलू में साका, धर्म हेत इति जिन करी शीश दिया पर सीना उचरी। एक ऐसा इतिहास कि एक धर्म का मुखिया दूसरे धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दे गया। यह हिंदुस्तान के इतिहास में सेकुलरिज्म की, धर्म निरपेक्षता की एक ऐसी मिसाल थी जो सदियों तक नहीं मिलेगी। लेकिन अफसोस 1984 में एक ऐसा इतिहास बनाया गया कि वो गुरुद्वारा शीशगंज साहब पर भी हमला हुआ। और गुरु तेग बहादुर साहब को मैं फिर कहता हूं, बात यह नहीं है जो मारे गए वो चले गए, बहुत दुखदाई है, लेकिन दुख इससे बड़ा यह है उस आस का मर जाना कि उनको कभी न्याय भी मिलेगा। आज हम अपने अंदर झांक के देखें तो हम लोग ये मान चुके हैं कि न्याय नहीं होगा। हजारों लोग इंसाफ की राह, जो वो विधवाएं जिनके लोग चले गए, आज भी जब बात करते हैं तो रोने लगती हैं। वो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब हमला हुआ, कमलनाथ जैसे मिनिस्टर बाहर बैठे थे, मैं रिपोर्ट संजय सूरी की इंडियन एक्सप्रेस की बता रहा हूं, कमलनाथ, वसंत साठे और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर SC टंडन वहां पर खड़ा हुआ था, लेकिन गुरुद्वारे पे गोलियां चलाई जा रही थी। हलफनामा है मुख्तियार सिंह का, जो उस समय वहां सेवादार था और बाद में मैनेजर बन गया, उसने जो अपना हलफनामा दिया उसने कहा कि जब हमला हो रहा था गुरुद्वारे पर तो एक बुजुर्ग ने बाहर आके हाथ जोड़े और कहा, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, यहां हमला ना करो बच्चों। उन्होंने उसको देखा और पकड़कर उसको आग लगा दी। उसका एक 14-15 साल का बच्चा था, उससे देखा नहीं गया, वो अपने पिता को बचाने के लिए आया, तो जब वो आया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि पिता के प्रति अपना फर्ज पूरा कर रहा है, वो बोले एक और सिखड़ा मिल गया, इसको भी आग लगा दो। वो बच्चा जलाया गया, 60% जला था, बच सकता था, लेकिन पुलिस ने उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया, सेवादारों को उसको पानी नहीं पिलाने दिया, 6 घंटे तड़प तड़प कर वो बच्चा वहां पर दम तोड़ गया। ये हालात हुई,
दो दो महीने के बच्चों को चूल्हों पे रखकर जला दिया उस नफरत की आग ने। अगर इस दिल्ली के अंदर जो कत्लेआम हुआ, जैसे अभी मनीष जी कह रहे थे ना कि रिपोर्टिंग करते वक्त क्या करते हैं, मनीष जी उस समय मीडिया को सांप सूंघ गया था। उस वक्त जब 3000 लोग जिंदा जला दिए गए, अखबारों में एक खबर तक नहीं आई। जैसिका लाल कांड हो जाता है तो 10-10 साल तक खबर चलती है, लेकिन एक खबर एक अखबार में नहीं आई कि इतने लोग मार दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम एक बहुत प्राउड कम्युनिटी से आते हैं। जब मैं डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट था, मुझे रक्षा मंत्री AK एंटनी के साथ जब ये अपना सुनामी आई थी तो जाने का मौका मिला। हम लोग अंडेमान निकोबार में, कार निकोबार में हमारा इंडियन एयरफोर्स का बेस, वहाँ में गया था। वापस आते वक्त हम लोग सेल्युलर जेल देखने गए। मैं सेल्युलर जेल देखने गया तो सेल्युलर जेल में जो काल कोठड़ियाँ हैं, जहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जिंदगियाँ गल गई, मैंने जाके देखा तो मैंने उनकी दीवारों पे नाम पढ़ने शुरू किए। जब नाम पढ़ने शुरू किए तो मेरे सीना गर्व से फूलने लगा कि उसमें कम से कम नहीं तो सिख और पंजाबियों के 50% नाम थे। हमने कुर्बानियां की हैं, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक दर्द है, एक पीड़ा है, कहीं ना कहीं वो बार बार उठती है। कभी कहते हैं पंजाब में ये हो जाएगा, कभी कहते हैं यार ये मसला क्यों उठ रहा है, ये दर्द है, इसको समझना पड़ेगा। हम इस पर बोलना भी नहीं चाहते, इंसाफ करने की बात तो बहुत दूर की बात है। 1965 की जंग हो, पाकिस्तान ने हमला किया, ऑपरेशन जिब्राल्टर था, और वहां का पाकिस्तान का सेना का प्रमुख कहता था, क्योंकि पैटर्न टैंक दिए थे अमेरिका ने उसको, कि बोले ये इनविंसिबल है, हिंदुस्तान की जो फौज है उसको तोड़ नहीं पाएगी। उसने कहा सुबह की नाश्ता मैं अमृतसर में करूंगा और रात का खाना मैं दिल्ली में खाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जब ये बात आई, इतिहास गवाह है, किताबें हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी एक किताब है, वो उनके ADC थे उस वक्त, उन्होंने कहा हमारे जो सेना के प्रमुख थे उन्होंने कह दिया कि मोर्चा जो है थोड़ा ब्यास के आगे लगा लीजिए। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने कहा 1947 में गुरु नानक का जन्म स्थान छूट गया, पंजा साहिब छूट गया, ननकाना साहिब छूट गया, अब क्या अमृतसर भी हमसे छूट जाए? नहीं, हम पाकिस्तान की फौजों को यही जवाब देंगे। और उन्होंने मोर्चा संभाला, उन्होंने छातियों पर एंटी टैंक माइंस बांधी और पाकिस्तान के टैंकों से टकरा गए और उनका प्रकच्चा उड़ाकर कब्रिस्तान बना दिया, बॉर्डर जैसी फिल्में बनी। 1965 की जंग हुई, 1971 की जंग हुई, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्हें बांग्लादेश वार का हीरो कहा गया, अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे बांग्लादेश तो एक उनको तस्वीर दी गई जिसमें जब 93,000 पाकिस्तान के फौजियों ने सरेंडर किया था और बांग्लादेश की वार जीती थी तो वो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की थी। लेकिन 84 में उस लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के ऊपर हमला हुआ, उसने इंद्र कुमार गुजराल को फोन किया, उसने कहा मैं क्या करूं, मुझ पर भी हमला हो गया, क्या सोचा होगा उस जनरल ने, क्या सोचा होगा उस जनरल। तो इंद्र कुमार गुजराल ने कहा तुम पगड़ी उतार के मेरी गाड़ी में छुप के आ जाओ। उस लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने बाद में सिख फोरम का गठन किया, RS नरूला कमेटी बनाई। सरकार जांच नहीं कराना चाहती थी, सरकार कमीशन नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन जब वो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा इस दुनिया से गए, सरकार ने उसको सम्मान तक नहीं दिया। ये कांग्रेसी सरकारों का ऐसा व्यवहार था उस हीरो के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि 84 का कत्लेआम हुआ, ये दंगा नहीं था, ये नरसंहार था, ये हिंदू और सिख नहीं लड़े थे, ये सरकारी कत्लेआम था। और इस सरकारी कत्लेआम को नानावटी कमीशन की रिपोर्ट ने भी माना। सर, सबसे पहले वेद मारवा कमीशन बना और वेद मारवा कमीशन ने क्या किया, थोड़ी ईमानदारी से काम शुरू किया। उन्होंने सारी पुलिस थानों के रोज नामचे जब्त करा लिए कि भाई क्या शिकायत आ रही थी। लेकिन उस समय की पुलिस ने जब वो रिपोर्ट देने वाले थे उनका कमीशन भंग कर दिया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना दिया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सबको बचा दिया। जब सबको बचा दिया तो रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा भेज दिया गया। ऐसा इंसाफ के साथ किया गया। आमोद कंठ जैसे लोग जिन्होंने उस वक्त एक ग्रुप कैप्टन थे एयरफोर्स के, वो अपने परिवार को बचाने के लिए बाहर आए, उसकी गिरफ्तारी की तो आमोद कंठ को राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार दिलवा दिया गया, जो अभी अदालत ने 3 साल पहले कहा कि शर्मनाक है। बात यह नहीं कि मारे गए, बात यह नहीं कि इंसाफ नहीं हुआ, बात यह है कि दोयम दर्जे का नागरिक होने का एहसास कराया गया। सर, किशोरी लाल 32, एक कसाई था, 32 लोगों का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद एक ही मामला है सिर्फ जिसमें फांसी की सजा
सुनाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी तोड़ के उम्र कैद कर दिया। और पिछली सरकार जो शीला दीक्षित की थी, उन्होंने ये लिखा कि किशोरी लाल का चाल चलन ठीक है, इसको रिहा कर दिया जाए। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि इस तरह से किया गया। हमारी दामिनी एक बच्ची, उसके साथ क्या हुआ, पूरा देश आंदोलित हो गया। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट कहती है 30 लड़कियां उठा के चिल्ला गांव ले जाई गई। 3 दिनों तक उनके साथ क्या हुआ मैं बोल नहीं सकता, मेरी जुबान नहीं बोल सकती। उन दामनियों के साथ इंसाफ कब होगा, कभी इंसाफ नहीं हो सका उनके साथ। भागी कौर, जिसके परिवार के 10 लोग मार दिए गए, और वो कहती 3 दिन तक हमको कपड़े नहीं पहनने दिए, और उन्होंने शराब पीकर हमारे साथ क्या किया, बोलते हुए उनकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आई। मैं इसलिए कहना चाहता हूं दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि 1984 के कत्लेआम के हजारों कातिल और हजारों लुटेरे आज भी हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं इस दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं, और कहते हैं कि कुछ भी भीड़ बनकर कर दो तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर 84 के कातिलों को सजा दे दी गई होती तो शायद 2002 भी ना होता, शायद कंधमाल में भी ना होता, लेकिन हमने कोई उनसे सीखा नहीं। दिल्ली पुलिस का हाल बता देता हूं मैं। दिल्ली पुलिस 32 नंबर ब्लॉक त्रिलोकपुरी का अध्यक्ष महोदय, 500 परिवार थे इकट्ठे, 500 परिवार थे, उन्होंने अपने आप को बचाना शुरू किया। जब बचाना शुरू किया 2-3 बार भीड़ पीछे की, तो उसके बाद शूरवीर त्यागी, मैं सब कोट कर रहा हूं, एक एक बात सत्यापित कर सकता हूं, वो थानेदार आए और बोले अब हमारी जिम्मेदारी है, हम बचाएंगे आपको, आप लोग पीछे हो जाइए। उनसे डंडे सोटे ले लिए, उनको घरों के अंदर बंद कर दिया, और उसके बाद भीड़ को लेकर पुलिस ने हमला किया। 500 लोग उस एक ब्लॉक में मारे गए। उस पूरे ब्लॉक में, 32 नंबर ब्लॉक में एक लेडी ऐसी नहीं बची जो विधवा न हुई हो, एक बच्चा ऐसा नहीं बचा जो अनाथ ना हुआ हो, और वो सब के सब लोग आज तिलक विहार में जाकर, जिसको विडो कॉलोनी कहते हैं, वहां जाने के लिए मजबूर हो गए। इस देश के इतिहास में इतना बड़ा अन्याय हुआ है। सेवादास जैसे डीएसपी जिन्होंने जब ये चिल्ला गांव में 30 लड़कियां ले जाई गई तो अपनी गाड़ी देने तक से इनकार कर दिया। 72 पुलिस अफसरों के खिलाफ कुसुम लता मित्तल कमेटी ने कहा कि ये पुलिस के नाम पर कलंक हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं हुई। हम किस तरह से रोकेंगे, मुझे विश्वास नहीं होता। अगर हम अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, हम किसी की जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, हम क्या एक कानून नहीं ला सकते हैं? क्या हम एंटी कम्युनल वायलेंस लॉ नहीं ला सकते हैं? कोई भी अधिकारी कहे किसी के यहां कोई दंगा फसाद कुछ हो, अगर 4 घंटे में नहीं रोकता है तो तुम्हारी नौकरी गई, वो रोकेगा। लेकिन आज तक इस देश में हम लोग ये नहीं कर सके। और तो और अध्यक्ष महोदय, फौज में लड़ने वाले हमारे वो हैं जिनको हम याद कर रहे थे, 1 रैंक 1 पेंशन की हम बात कर रहे थे। 58 फौजियों को जो सरहद से अपने घर छुट्टी लेके जा रहे थे, जिंदा जला दिया गया ट्रेनों में, जिसकी खबर आज तक किसी अखबार में नहीं आई। उसमें से 8 अधिकारी थे। हम कह देते हैं कि सरहद पे अगर हमारे एक अधिकारी का सर काट लिया गया तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो वो भी तो 58 वो थे जिन्होंने 1965-71 की जंगें लड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा विषय है, इतना बड़ा विषय है कि ज्यादा बोलते हो मैं खुद भावुक हो जाऊंगा, मैं इसमें कोशिश कर रहा हूं ना बोलूं। हु आर द गिल्टी, पहली रिपोर्ट आई, उसके बाद बेद मारवा कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, अतुल बनर्जी कमेटी, कुसुम लता मित्तल कमेटी, पोटी रोशा कमेटी, कमेटियों पे कमेटी बनती रही, लेकिन इंसाफ कभी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं दूसरे राज्यों के कुछ अधिकारी लगा के इंसाफ करने की कोई कोशिश कीजिए, रह जाएगा दिल में। कहते हैं भूल जाओ, भूला नहीं जाता। हिंदुस्तान की संस्कृति में कभी रावण ने क्या किया था, आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं, भूला नहीं जाता। मैं 2-3 बातें कह के खत्म करूंगा, सिर्फ मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। सतपाल कौर, जब मैंने किताब लिखी अपनी उस घटना के बाद, तो सतपाल कौर से मिलने गया, उसकी 3 बहनें थी, एक भाई था। वो खुद 14 साल की थी, और एक 8 साल की, एक 6 साल की, एक 2 साल की, और एक भाई था। वो कहती मेरे भाई को उसके पिता मारे गए, उसकी माँ को मार दिया गया, उसके ताए को मार दिया गया।
कहती मेरे भाई को पुलिस ने मेरे सामने गोली मारी, तीन बहनों को कैसे पाला मैं नहीं बता सकती, भागी को दर्शन को किस किस का नाम है, हम हद हो चुकी है, 30 साल हो चुके हैं, कब तक इंतजार करेंगे हम लोग, ये मामला आंकड़ों का नहीं है, ये मामला हमारे इज्जत से जुड़ा, ये मामला हमारे इस देश में रहने के हक से जुड़ा, मुद्दतें हो चुकी हैं, इंसाफ की बात जोते जोते मजाक समझ के रख दिया, वो 2000 का 2 का नाम ले लेता है, वो 1984 का नाम ले लेता है, कोई किसी और का नाम ले लेता है, इंतजार वो लोग कर रहे हैं जिनके साथ ये हुआ। हमें जब बच्चे पूछते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, हमसे वो लोग पूछते हैं अध्यक्ष जी जो 84 के बाद पैदा हुए, वो नौजवान पूछते हैं कि हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ, तो क्या जवाब दें हम उनको।